नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो। जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 52 दिन हो गए। आप क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि आज हमारे धरने को 52वां दिन हो गया है। आज हम सब गौसेवक भूख हड़ताल पे, पानी के अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो हमने भूख हड़ताल रखी है उससे भगवान मधु नुवाल को, नगर परिषद को, सभापति को सद्बुद्धि दे ताकि वो गौ माता के गौशाला के लिए निर्माण करवाए जल्दी से जल्दी। और सभापति के नाम के पीछे, मधु नुवाल के नाम के पीछे गौ भक्त भी कृष्ण भक्त लगता है, ऐसा सुना है कि वो कृष्ण भक्त है। अगर वो मथुरा वृंदावन जाती है, माँ तीर्थों में जाती है, तो जब गौ सेवा नहीं कर सकती तो फिर उनसे उनका जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। कहीं पे भी जाओ अगर गौ माता की सेवा नहीं की तो सब बेकार है, सब फालतू है। क्योंकि खुद श्री कृष्ण ने भी नंगे पाँव छोटी सी 5 वर्ष की उम्र से ही गौ माता की सेवा की है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो उनकी ही संतान है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति जी से हाथ जोड़कर कि आप भी गौ माता की सेवा करें और आप भी फल प्रदान फल पाए, ताकि आप श्री कृष्ण की भक्त बनती है तो श्री कृष्ण आपकी सुने, आपसे प्रेम करें। तो अगर आप चाहती है कि आपसे प्रेम करें तो गौ माता की सेवा करें, खुद श्री कृष्ण चलकर आपके घर आएंगे और आपसे सेवा पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम राधिका जहांगीर है, गोपाल गौ सेवा संस्था। हमारा ये कहना है कि आज हम सब भूख हड़ताल पे बैठे हैं गौ माता के खातिर, गौ माता के खातिर आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, फिर भी सभापति हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। आज हमारे सब गौ भक्तों को, बारिश हो चाहे गर्मी हो कैसी भी मौसम हो, सब में यहाँ पे बैठे हुए हैं 52 दिनों से। हमारी गौ माता बारिश होती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में दुख पाती है, वहाँ पे ना तो उनको उतारने की सुविधा है ना कुछ है, और यहाँ पे भी नंदीशाला का निर्माण भी नहीं हो रहा, वहाँ पे शिलान्यास करके छोड़ दिया, वो अभी बिना गौ भक्तों को सूचित किए, क्या फ़ायदा उनका? ना तो वहाँ पे कोई गौ माता को बुलाया गया, ना किसी गौ भक्त को बुलाया गया। इसे तो अच्छा वक्त करते ही नहीं, छाने छुपके करे, इससे तो अच्छा वक्त करते ही नहीं। और वो मधु नुवाल वहाँ तीर्थों में जाती है, तीर्थों में कृष्ण भक्त बन के जाती है, तो जब वो गौ माता की सेवा ही नहीं करती तो कृष्ण भक्त कैसी हुई, कैसी कृष्ण भक्त? और यह गोस्वामी, ये कलेक्टर साहब अपने पीछे गोस्वामी लगा के रखते हैं, इनके पीछे गोस्वामी लग रहा है, जब ये गौ माता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे तो गोस्वामी क्यों लगा के रखा है? हटा देना गोस्वामी को पीछे से, जब गौ माता की सेवा ही नहीं कर रहे, गौ माता को अपना अधिकार ही नहीं दिला पा रहे तो किस बात के गोस्वामी ये? कलेक्टर साहब दबाव तो डाल सकते हैं ना उनके ऊपर कि मैंने तो अपनी तरफ से काम किया, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना, कहीं ना कहीं राजनेताओं का समर्थन प्राप्त करके खुद ही गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठी है। लगता तो ऐसा ही है कि गौ माता की भूमि को ये अपना बना कर ही रखना चाहते हैं, गौ माता के नाम नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते तो कितने दिनों पहले कर चुके होते। अब क्या रहेगा आप करो? हमारी तो रूपरेखा की जैसे ईश्वर चलाएगा हम चलेंगे। अब तक गौ भक्तों ने सबने धैर्य बना के रखा है, अगर मधु नुवाल सभापति सुनवाई नहीं करेगी तो फिर आगे ईश्वर जो करवाएगा वह हम करेंगे। आपका नाम? भारती मीणा। चलो गौ माता की जय। बोलो नंदी बाबा, सुनवाई नहीं, कोई आश्वासन नहीं, वो हड़ताल भी गौ ने चालू कर दी है, अब क्या रहेगा आपका? संघर्ष तो जारी रहेगा, परमात्मा का नाम लेके बैठे, वही जहाँ तक ले जाएगा ये उसकी मर्जी है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, एकदम नकारा साबित हो रहा है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। कहीं से कहीं तक यह नहीं लग रहा है कि कोई जिले पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे तो एक तहसील मुख्यालय पे बैठते तो वहीं जल्दी सुनवाई हो जाती।
पूरा सिस्टम फेल है। ये लोग भी नहीं चाहते कि नंदीशाला बने। कलेक्टर साहब की भी कहीं से कहीं तक कोई इच्छा शक्ति नहीं है, जबकि कुछ दिनों पहले एक अखबार में उनका इंटरव्यू आया था कि जिले में मेरा सपना है कि 5 नंदीशाला बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे? एक ही नंदीशाला आपसे नहीं बन रही है, वही धक्के खा रही है। 5 की कैसे कल्पना की जा सकती है आपसे? आपका बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई इच्छा शक्ति नज़र नहीं आ रही। आपकी इच्छा शक्ति होती तो ये नंदीशाला अब तक आधा काम हो चुका होता और बूंदी के खापी नंदियों को वहाँ स्थान मिल जाता। क्या कारण है जो देर कर रहे हैं? देर क्या पता नहीं है, किन के दबाव में, प्रशासन भी, पूरा प्रशासन दबाव में काम कर रहा है सर। SDM साहब वहाँ मौके पर थे, लिपापोती करे वहाँ, सीमा ज्ञान भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। अभी भी एक कचरा जो 1274 नंबर है उसी पर भी किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, उसके लिए लोग रास्ता और छोड़ने की तैयारी में है। तो जब SDM साहब खुद वहाँ मौजूद थे फिर भी इस तरह से ये लिपापोती का काम, एक जिला इस तरह काम है, राज्य सरकार की योजना है, गलत तरीके से सीमा ज्ञान किया गया है। मेरा निवेदन है तहसीलदार साहब से कि इनका दोबारा सीमा ज्ञान करवाएं और जो भी इसमें दोषी है, पटवारी और तहसीलदार साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जब इन लोगों को कुछ एहसास होगा। जो जमीन आवंटन हुई है उसमें लगभग सैकड़ों गोवंशों को राहत मिलेगी, अगर निशाला बनती है तो कहाँ तक जाएगी? एक दो आदमियों को वहाँ पे लाभ दिलाने के लिए काम रोका जा रहा है। ये बिल्कुल कान का वो भूमा पे इनका कारण है और जिनका ये कोई हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये नंदीशाला बनती है तो बूंदी और आसपास का तो समस्त इसमें समाधान हो रहा है और एकदम अनुकूल जगह है, पीछे वन विभाग की है, तो इन नंदी बाबाओं के लिए भी आराम से घूमने फिरने, इनका जीवन यापन कर लें, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर। तो आगे क्या रुक रहेगा आपका? रुक तो रहेगा, लड़ेंगे सर जितना भी। जिंदाबाद बिल्कुल प्रशासन को हम पूरा एहसास कराएंगे और इनकी जो जिम्मेदारी है इन्हीं के हाथों से हम लोग पूरी करवाएंगे। परिवर्तन तो फिर जैसे भी सब लोग मिलके आगे की योजना बनाएंगे, पर मेरा आप लोगों के चैनल के मार्फत से कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कलेक्टर साहब आप बार बार इधर से निकलते हो जाते हो, थोड़ा बहुत तो अपनी अंतरात्मा से पूछो कि गौ माता के लिए आपको भी कुछ करना है, इसलिए आप कुर्सी पर बैठे हो। अगर गौ माता का अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर तो आप डॉक्टर ही ठीक थे, आपको इस्तीफा दे के और वहीं चले जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे सभी साथी, पूरी टीम, जैसे भी बन पाता है गौ माता के लिए हर तरह से आहुति लगाने के लिए तैयार हैं और लगा भी रहे हैं, पर सभापति जी की तो कोई इच्छा शक्ति नहीं है। आयुक्त साहब भी उनके इशारे में काम करते हैं, सभापति जी पता नहीं किन के इशारे में काम करते हैं। मेन सारा काम कलेक्टर साहब को ही करना है, कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है। जिला गोपालन समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब, और ये जो नरेगा से भी इसमें कुछ कार्य हो सकता है उसकी भी समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब, और कलेक्टर साहब बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे हैं, ये कौन सा इनका रवैया है? कम से कम कोई बात तो करें ना अपने स्तर पर। न्याय दो रे, न्याय दो, गो माता को न्याय दो। तरफ से कलेक्टर साहब से मिलकर या कुछ लिखित में देकर मदद करने का कुछ रखा है क्या? हमारे तो मध्यस्थता ईश्वर कर रहे हैं, वही पर जहाँ पहुँचाएंगे पहुँचाएंगे, पर ये कलेक्टर साहब मेरी नज़र में बिल्कुल फेल हैं, इनको कोई अनुभव नहीं है, ये कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, और करना चाहते हो तो सारी शक्ति इनके पास है, आयुक्त और सभापति की क्या मजाले जो इनकी बात को नहीं माने। जिले के मालिक हो आप तो सारे कार्य नगर परिषद पर डाल देते हो, पशुपालन विभाग है वो भी कान कान जिला गोपालन समिति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो भी एक लेटर आयुक्त को लिख देते हैं, कलेक्टर साहब भी आयुक्त को लेटर लिख देते हैं, अब वो सुन ही नहीं रहे तो क्या मतलब, कुछ नहीं होगा। कलेक्टर साहब बैठे हैं, आयुक्त साहब
क्यों नहीं सुन रहे उनकी बात? ये तो राज्य सरकार की योजना है, क्यों नंदीशाला का निर्माण नहीं हो रहा? क्यों उसका पूरा दोबारा सीमा ज्ञान नहीं हो रहा? तो जो 28 बीघा दिए तो उसमें क्यों कटौती की जा रही है? उसमें क्यों अतिक्रमण बचाया जा रहा है? इन सब का जवाब प्रशासन को देना है। तो मेरी प्रशासन से विनती है, इस मामले को गंभीरता से लें। ये राज्य सरकार की योजना है, नंदीशाला निर्माण करना है, और जब नंदियों के लिए जगह आवंटन हो चुकी तो इनको वहाँ पहुँचाने की आपकी जिम्मेदारी है। रुक तो करेंगे सर, जो भी हमारा प्रयास होगा हम पूरा करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। और मैं बूंदी के समस्त जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर समाधान करना चाहते हो तो कहीं से कहीं तक तो सहयोग करो। हम आपसे कोई धन की तो मांग कर ही नहीं रहे, हम तो केवल समर्थन की मांग करें और धरने पे पधारे, हमारा समर्थन करें। और अगर कोई वार्ड में, बूंदी में 60 वार्ड है, 60 वार्ड मेंबर हैं, किसी भी वार्ड में अगर गाय बीमार होती है या कोई चोटिल होती है तो मेरा आपका आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस गाय को उठाकर संबंधित वार्ड पार्षद के घर पर पहुंचा दें। और अगर आप लोग चाहें तो हमारा भी सहयोग ले सकते हैं, इसी तरह से इनको सबक सिखाएं। जब इनकी ये जागेगी अंतरात्मा जो मर चुकी है, कोई गौ माता गले नहीं बोलना चाहता कि किसी भी पार्षद का कर्तव्य नहीं है, एक भी पार्षद कोई आगे नहीं आ रहा, तो इनको भी मेरा जनता से अनुरोध है कि थोड़ा एहसास करवाना चाहिए। न्याय दो रे न्याय दो, अभी तो नियम लड़ाई है, नगर परिषद मुर्दाबाद। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।